किसी ने ठीक ही कहा है कि एक फोटो 1000 शब्दों को बयां कर देती है। ऐसी कहावत को चरितार्थ कर रही है फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से विश्व फोटोग्राफी दिवस पर लगी अंतर्राष्ट्रीय फोटो जर्नलिज्म प्रदर्शनी दृष्टिकोण। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर लगी इस प्रदर्शनी में अद्भुत तस्वीरों के संग्रह का दृष्टिकोण है। प्रदर्शनी की हर एक फोटो अपने आप में पूरी खबर बयां कर रही है। प्रदर्शनी में लगी फोटो के माध्यम से देश के अलग अलग स्थानों से रूबरू कराया जा रहा है। देश विदेश आई तस्वीरें वहां की घटनाओं का प्रभावी ढंग से कहने में समर्थ है। यहाँ पे बहुत सारी फोटोज लगी हुई है और सारी फोटोज इज वेल कनेक्टेड टू जर्नलिज्म। हर फोटो के पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी लिखी नहीं है मगर उस स्टोरी को आप उस फोटो से पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो और समझ सकते हो। हर फोटो का एक अपना मतलब है और वो किसी ना किसी आर्टिस्ट से जुड़ी हुई है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। धन्यवाद कहना चाहता हूँ सारे फोटोग्राफर्स और आर्टिस्ट को कि इस तरीके की फ़ोटोज़ को इस एग्जीबिशन में लाने के लिए और सबके पास बाहर ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली चीज़ तो फोटोग्राफ्स मेरी क्या सबकी जितनी भी है वो सब मेरी फ़ोटो की तारीफ तो क्या करूँ। मैं तो जो मेरे साथी हैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि फ़ोटो की उन्होंने मेरे से बढ़िया प्रदर्शन किया, उन्होंने यहाँ बढ़िया फ़ोटोग्राफी करी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जयपुर के अलावा इंडिया के 14 स्टेट हैं जिन्होंने इस में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी फ़ोटोएँ भेजी यहाँ लगाई, वो लोग भी आए यहाँ पर। इसके अलावा भारत से बाहर श्रीलंका, बांग्लादेश, UAE, अरब कंट्री, दुबई से यहाँ से फ़ोटोग्राफ्स आई है, एग्जीबिशन लगाई है। करें मेरी फ़ोटो की बात तो मेरी फ़ोटो में तो गैलरी पे मैं 2 साल से वर्क कर रहा हूँ कि गैलरी को पास कैसे बुलाया जाए, क्योंकि गैलरी एकाएक पास आती नहीं और पालतू गैलरी तो चलो फिर भी आ जाए लेकिन जंगल की गैलरी कैसे आए उस पर थोड़ा टफ था। 2 साल तक मैंने कोशिश करी और गैलरी को नज़दीक लाने की कोशिश किया, वो सक्सेस रहा। युवा पीढ़ी के लिए कि कोई भी काम असंभव नहीं है, दो लोग मिलकर भी कितनी बड़ी एग्जीबिशन कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पास टीम नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर लगन है, मेहनत है और अगर दृढ़ निश्चय है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे ये इसमें सऊदी अरब और बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत और 4 देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। भारत के करीब 14 स्टेट इसमें शामिल हैं फोटो जर्नलिस्ट उसके, और श्रीलंका के 1 पार्टिसिपेंट हैं, बांग्लादेश के 2 हैं, संयुक्त अरब अमीरात के 1 हैं दुबई से। तो इस तरह इसको करीब 6 महीने लगे। इसमें 50 फोटो जर्नलिस्टों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें करीब 132 से 150 करीब तस्वीरें लगी हुई हैं। सब तस्वीरें अपने में एकदम उम्दा हैं। जो भी तस्वीर जितनी भी लगी हुई है कुछ ना कुछ कहानी लिए हुए हो। अगर आप एक बार गौर से थोड़ी सी भी दिमाग लगा के देखेंगे तो सारी कहानी अपने आप ही बयां हो जाएगी। जैसे एक तस्वीर ये है JLNMR की, अपने एक पेट के लिए एक महिला अपने बच्चे को भी अपने सामने नज़र के रखती है और उसके पेट भरने के लिए मेहनत भी करती है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर अपने जयपुर के और बाहर के सभी फोटो जर्नलिस्ट से मिलकर नेशनल फोटो एग्जीबिशन करिए, जिसमें श्रीलंका से भी है, दुबई है, तेलंगाना है, बांग्लादेश है, 50 फोटोग्राफर हैं, 14 राज्य के हैं, बाकी सब बाहर के हैं। उन्होंने मिलकर सब तरह की फ़ोटो लगाई है, जिसमें पुलिस की भी है, ट्रेन पर चढ़ते हुए है, सब है। इस फोटोग्राफर में वो कितनी मेहनत करनी पड़ी? ये हमने करीब 3 महीने पहले से ये कार्य शुरू कर दिया था और बाहर से आने में भी टाइम लगता है, बनवानी पड़ती है। तो सभी को सोचा था एक मंच पे एकत्रित करेंगे, उसके लिए हमने ये फोटोग्राफी एग्जीबिशन की है। आने वाले में और भी जो है किस तरह की फोटोग्राफर? आने वाले समय में देखते हैं। हमारा मन है कि स्टेडियम में लगाएं, हम इतना कलेक्शन हो गया हमारे पास, मगर फिर भी सब से मिलकर राय